गाइस तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में पोकेमॉन लाइक रैंडम ओके। एंड जैसे कि अगर पिछले एपिसोड आपने नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके देखो। ये पूरी सीरीज चल रही है हमारी पोकेमॉन लाइक रैंडम की एंड नज़लॉक चल रहा है ये, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पूरी सीरीज का मज़ा लेना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देख लो। एंड तो हमने पिछले एपिसोड में हराया था अपने जिम को, यानी कि अपने डार्क बेस्ट सिटी के जिम को, और हमने कुछ अपने पोकेमॉन भी खोए थे। ये बात मेरे को सबसे बकवास लगती है, लेकिन कोई नहीं। और हमें एक अपना लेजेंडरी पोकेमॉन भी मिला था, एंड हमें मिला था अपना क्लो बैच, यानी कि डार्क बेस्ट सिटी का बैच एंड 8th बैच। एंड और अब हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वाटरफॉल। अब मेरे को पता नहीं है वह कहाँ है, क्योंकि मेरे को अब तक वाटरफॉल मिली नहीं है, तो ये एक बहुत ही अजीब बात है। मेरे को यूज़ करने का वो मिल गया, परमिट कह सकता हूँ उसे मैं, कि मैं भी वाटरफॉल यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को वाटरफॉल नहीं मिली अब तक। चलो कोई नहीं, उसे भी हम ढूंढ लेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। ऐसे ही कुछ मज़ेदार एपिसोड आगे भी आने वाले हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे। ओ अब पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि वाटरफॉल कहाँ मिलेगी मेरे को, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो गाइज हमें वापस जाना है अपने डार्क बेस्ट सिटी में, अभी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस सिटी में ही हमें मिलने वाली अपनी जो लास्ट HM है, यानी कि HM वाटरफॉल। एंड वो पता नहीं मैं किसको देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं मेरा जो सैम डॉग टिलरी वो सीख सकता है। एक तो यही बड़ी दिक्कत है यार, HM नहीं होती है पूरी किसी को भी। HM7 हमें मिलेगी यहाँ से, ये रेड खड़ा है हमारा हाई साइड पोके। आई केम हियर टू बाय सम आइटम्स टू प्रिपेयर फॉर माय बैटल विद द ड्रैगन टाइप लीडर वेस्ली, बट यू ऑलरेडी हैव दैट बैच, नो वे। एश केचम वाज हियर एंड टोल्ड मी टू गिव यू HM7 वाटरफॉल। ओके तो थैंक यू एश भाई हमें HM7 वाटरफॉल देने के लिए, टेक्निकली तो उसने ही दी है। Now I have to hurry. I can see I am falling behind as you already have the 8th batch of Zehri League. I have to go after them myself. Okay, तो हमें मिल गई है अब अपनी HM7, यानी कि हमें मिल गया है एक और सर्द में दर्द। अब मैं किसको दूंगा यार ये HM7 एंड HM7 ये यूज़ करते हैं एंड नहीं सी सकता है मेरा सैम, ये बात हुई, ये हुई ना बात सैम। एंड डाइव आइस बीम साई बीम की जगह ही देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि बाकी सब तो काफ़ी अच्छे मूव हैं, मैं इनको चेंज नहीं करना चाहता। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो XP शेयर है वो मैं दे देता हूँ अपने ये कैन को, क्योंकि इसके भी लेवल बढ़ाने हैं यार, क्योंकि एक फ्लायर तो चाहिए मेरे को अपनी टीम में जो मेरे को उड़ा के ले जा सके सात समुंदर पार। एंड गाइस तो अब चलते हैं यहाँ से आगे, अब हमें मिल चुकी है अपनी वाटरफॉल, तो हम जा सकते हैं आगे और अपने नए नए इनकाउंटर कर सकते हैं। एंड यूज़ करते हैं अपना सर्फ के साथ एक रिपेल भी यूज़ कर लेते हैं, वरना सर में दर्द होता रहेगा बार बार इनकाउंटर कर करके। ओके तो हमने यूज़ कर लिया है अपना सुपर रिपेल, अब चलते हैं यहाँ से अपने वाटरफॉल की तरफ, उस झरने की तरफ जो इस नदी के उस पार है शायद, हाँ उसी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। और इन सब से मैं पहले ही लड़ चुका हूँ, नहीं जमीन पे नहीं जाना। एंड अब चलते हैं यहाँ से ऊपर, यस इट्स अ लार्ज वाटरफॉल, यूज वाटरफॉल। ओके तो इसने ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसने तो अपनी फाइटिंग करना छोड़ दिया था, सजाने धजाने में लग गई थी अपने ये पोकेमॉन को। तो आगे आ रहा है Elite 4 एंड डार्क बेस्ट सिटी भी पीछे, तो अब इससे बात करते हैं अपनी सोलाना से। हे साइड पोके, माय फ्रेंड लूनिकी इज वेटिंग इन माय हाउस टू बैटल यू। ओके तो पहले हमें उससे जाके बैटल करनी पड़ेगी, तब हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। ओके तो एक और चैलेंज आ गया है हमारे सामने, इसका जो फ्रेंड है पहले उससे जाके बैटल करना पड़ेगा।
एंड यहाँ पे ये फिर से खड़ी हुई है। अब क्या बात हो गई, अब क्या दिक्कत हो गई इसे, ये क्या हो? कुछ बात नहीं करना चाहती? नहीं तो पहले हम चलते हैं अपने लोनी लोनिक के घर में, शायद यही नाम है उसका। एक तो नाम भी बड़ा अजीब से होते हैं यार उनके। एक और सुपर रिपेल यूज करते हैं अपनी, पहले उससे जाके हमें बैटल करना पड़ेगा फिर हम आगे जा सकते हैं। वही फालतू की जबरदस्ती लगा रखी है, पहले तो लड़ाई करो फिर आगे जाओ। ये पता है कि हारना है, दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। एंड भाई कितना धीरे की चल रहा है भाई तू ग्रास में। ओ टेलीपोर्ट करती है भाई ये तो। वेल सेट पोके टुडे आई हैव मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, आई एम गोइंग टू स्टॉप ट्रैवलिंग ब्ला ब्ला, ये तो वही सब चीजें हैं यार भाई। फिर से बैटल करना पड़ेगा इसे, क्या हो रहा है भाई गेम में, क्या पागल हो गई है गेम भाई। 49 लेवल का मतलब, अच्छा लेवल चेंज हो गए हैं अब, मेरे लगा लेवल भी उतने ही होने वाले हैं। पहले लेवल शायद 42 या ऐसे कुछ थे। सिंथेसिस तो भाई अर्थक्विक से करते हैं इसके टॉर्टेरा को बाहर, मेरा टॉर्टेरा सबसे बढ़िया है। इतना सारा डैमेज भाई कैसे हो गया? इसके पास भी अर्थक्विक है, क्रंच करते हैं ना, क्रंच से ज़्यादा डैमेज होगा। यस क्रिट यार पूरा ही ख़त्म कर दी थी, एक पे छोड़ दिया ऐसे भी। अब ये सिंथेसिस यूज़ करके ना, अच्छा ऑरेंज बेरी यूज़ करिए, इसके पास सिंथेसिस भी है सो जल्दी से आउट करना पड़ेगा वरना दिमाग खराब करता रहेगा हील करके अपने आप को बार बार। एंड ये क्या इसका टॉट है बाहर, और अगला शायद इसका ब्लास्टोइस था, ब्लास्टोइस ही है। नहीं अब चेंज नहीं करना मेरे को क्योंकि इसको रेजर लीफ कर सकता हूँ मैं। एंड रेजर लीफ मिस हो गई, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई क्या बात है, कमाल ही कर रहा है, छा गया गुरु। रेजर लीफ करते हैं हम। एंड ये अच्छा डैमेज है, मेरे को लगा पूरा ही नॉकआउट कर देगा लेकिन किया नहीं। एक और ऑरेंज बेरी भाई, कैसे भाई बेरी बेरी घुसा रखी इनकी जेबों में यार। ये इस रेजर लीफ से शायद आउट हो जाएगी, हाँ बिल्कुल थैंक यू। पता नहीं क्यों मेरे को दोबारा लड़ना पड़ रहा है इससे। 34 कैन हो गया हमारा 34 का। ओके थैंक यू फॉर मेकिंग मे, हाँ भाई पहले भी बोल चुकी है, क्या हो गया भूल गई क्या, सर पे चोट वोट लग गई थी। कहाँ है भाई इसका, अच्छा ये है लोनिक। Finally said, okay, you have come to battle me for the title of the best trainer in Zehri. Okay, भाई अब तो तूने Elite 4 को हरा दिया, तेरे best trainer कैसे हो गया भाई? Infernape 60 level का, वो भाई क्या बात है भाई, खतरनाक है इसके तो। सर्फ करता हूँ ना भाई मैं, फ्रेम थ्रोर से ज़्यादा असर होगा नहीं ऐसा मैं सोच के बैठा हूँ। नहीं ज्यादा असर नहीं हुआ, बस मरने ही वाला था। थोड़ा सा बचिए यार, कोई नहीं चेंज कर लेता हूँ मैं अपने पोकेमॉन। हमने गैरेटीना को भेजते हैं हमारे लेजेंडरी को जो 5 लेवल नीचे है। वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, चलो बढ़िया है। ड्रैगन ग्लो करते हैं वैसे, काम माइंड है। ओके तब उसको ड्रैगन ग्लो करते हैं, जल्दी से बाहर करते हैं फील्ड से। वैसे ड्रैगन टाइप यार काफ़ी तगड़े पोकेमोन होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं और डिज़ाइन भी एक से एक लेके आते हैं ये ड्रैगन टाइप पोकेमोन के लिए। गांव चौक के लिए तो मेरा टॉर्टेरा रेडी है बिल्कुल, बस इसकी लाइफ थोड़ी सी कम है, इसकी दिक्कत है। पहले तो भाई मैं हील कर लूँ, रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है ना, मैं लूँगा तो पहले हील कर लिया उन्हें। डिग
लेकिन मैं जब तक अर्थ को यूज़ करूँगा तब तक ये अटैक कर देगा मेरे पे। हाँ कोई नहीं, चलो ज़्यादा असर तो होगा नहीं। एंड अर्थक्विक से कितना असर होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। हाँ ज़्यादा तो हुआ नहीं, 3 अर्थक्विक लगेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। इसके पास भी अर्थक्विक है। चलो भाई कोई नहीं, मेरा अर्थक्विक ज़्यादा ताकतवर है। और वैसे भी मैं, मेरा टोटल 4 पैरों पे खड़ा है, तो 2 पैरों पे खड़ा है तो जल्दी गिर जाएगा। चलो भाई इसकी लाश को अब ज़मीन के अंदर ही दफना देंगे अर्थक्विक करके। जमीन के अंदर से ही चिल्ला रहा है, मर गया। तो हमने हरा दिया इस लूनिक को। इट विल बी अ वाइल बिफोर आई बैटल अगेन। आई एम गोइंग होम टू रेस्ट एंड बी विद माई फैमिली। ओके भाई, तू मेरे लगता है पहले से ही अपने घर में है। और वो भाई मैंने बोला था ना, वो टेलीपोर्ट करती है, पहले वहाँ गुफा के गेट के पास खड़ी थी, फिर घर के सामने आ गई, अब अचानक से देख घर के अंदर आ गई। कुछ तो गड़बड़ है भाई इसके अंदर। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार पोकेमॉन सेंटर से हो ही आता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो भाई मैं पोकेमॉन सेंटर होके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको उस केव के बाहर। उस केव का वैसे नाम तो पता नहीं है मेरे को। बाय। तो भाई सब मैं आ गया हूँ इस केव के बाहर, एंड अब चलते हैं इस केव के अंदर। एंड इस केव के अंदर शायद मेरे को मिलने वाला है फिर से अपना एक नया एनकाउंटर, यानी कि ये केव जो है विक्ट्री रोड है। एंड हमारा एक नया एनकाउंटर होने वाला है इस विक्ट्री रोड का, एक डॉन फैन। हाँ लेकिन मेरे पास पहले से एक फैन पी है, मैंने पहले से एक फैन पी पकड़ा हुआ है, तो ये सेम स्पीशीज का ही है। फैन पी जो है डॉन फैन में विकसित होती है, तो इसलिए मैं एक और इनकाउंटर कर सकता हूँ अपना। क्या यार कोई अच्छा सा इनकाउंटर मिल जाए। फाउंड एंड फुल रिस्टोर। ओके पहले इस बंदे से बैटल करने से पहले मैं सोच रहा हूँ अपना इनकाउंटर कर लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड योर मास्क। ओके यह मास्क मिल गया हमें, यह मास्क। एंड अटैक करने के बारे में सोच तो नहीं रहा हूँ मैं, तो अच्छा होगा कि मैं अल्ट्रा बॉल फैल के देख लेता हूँ क्या होने वाला है। नहीं नहीं पकड़ पाएगा साइकिक, कोई बात नहीं। अब मेरे को उसको थोड़ा डैमेज तो करना ही पड़ेगा, तो क्या करूँ, वाटरफॉल ही करता हूँ। लेकिन वाटरफॉल जा, वो बढ़िया एकदम सही जगह पे आके रुक गया। क्रिट क्रिट मार रहा है बंदा। अब जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लेता हूँ। यमास्क वैसे काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। लेकिन बस दिक्कत यही होती है कि इनको ट्रेन करना पड़ता है। ओके तो हमने इस विक्ट्री रोड का अपना एनकाउंटर कर लिया, जो हमारा है यमास्क। तो गाइस उसको निकनेम दे देते हैं यमास्क को। तो गाइस हमने नाम दे दिया अपने यमास्क को क्लाउन। एंड अब मैं अपने जो है सैम को हील कर लेता हूँ, सुपर पोशन करता हूँ। अरे यार इसको क्यों कर रहा हूँ मैं, सैम को करता हूँ। एंड एक और सुपर पोशन से पूरा हील हो जाएगा। एंड अब चलते हैं इस बंदे से बैटल करते हैं, यहाँ पे क्या है। फास्ट फॉरवर्ड में बैटल कर लेंगे इससे। वे विक्ट्री रोड पे ज़्यादा लेवल के पोकेमॉन तो है नहीं। इसका जो पीछे जो बंदा है इसका लायरॉन भी बस 46 या 44 का ही था। अब यहाँ से भी आगे चलते हैं, एक सुपर रिपेल भी यूज़ कर लेता हूँ। यस इससे भी बैटल कर लेते हैं। अभी आइटम उठा लेते हैं क्या है, जो कि एक सुपर पोशन। थैंक यू सुपर पोशन के लिए। एंड ये आ गया हम विक्ट्री रोड, द फाइनल रोड ऑफ द जहरी लेक। अब हम जा रहे हैं अपने एलीट 4 की तरफ। एंड एक और आइटम है यहाँ पे, अल्ट्रा बॉल। ओके
थैंक यू अल्ट्रा वॉल के लिए। अब यहाँ से भी आगे चलते हैं, इस बदले से भी बैटल करना पड़ेगा यार। ये बैटल करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता नहीं है, मतलब बोर हो जाते हैं यार एक किसी चीज़ से बैटल कर करके। स्वेलो जल्दी से बैटल करते हैं यार इससे भी। तो क्या गाइस अब यहाँ से आगे चलते हैं एंड इस बंदे से भी बैटल करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। भाई भाई कितने सारे हो यार तुम लोग, थोड़ी आबादी कम कर लो अपनी। अब एक चीज़ की कमी लगती है यार मेरे को, अब मेरे पास जो है वो फायर टाइप पोकेमॉन नहीं है कोई। एंड टीएम एट क्या है देखते हैं बैग में जाके, कोई बढ़िया सा मूव हुआ तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। एंड टीएम बल्क अप, बुलेट सीट है मेरे पास, एंड मेरे पास हाइपर बीम गीगा ड्रेन है। गीगा ड्रेन मैं दे देता हूँ अपने टॉर्टेरा को लीच सीट की जगह, क्योंकि लीच सीट इतना खास तो है नहीं, अब तो ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं उसे। तो अपना गीगा ड्रेन में इसको देता हूँ टॉर्टेरा को, डैमेज भी करेगा और हील भी कर देगा। चलो सही है। एंड और कोई पोकेमॉन का मूव है मेरे पास, ड्रैगन क्लो मैंने दे है। एंड अब यहाँ से भी आगे चलते हैं, एक और विक्ट्री रोड मतलब वही चल रहा है अभी। ओके तो बैटल ही बैटल है शायद हमारे आगे वाले, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई एलिट फोर से बैटल करने के लिए। मेरे को पता है उनके लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाले, लेकिन फिर भी एक्साइटेड तो हूँ मैं थोड़ा सा ही। आइस बीम करते हैं इसे भी, मैजिक लीफ ओ नो नहीं वो रुक गया भाई। सैम तो भाई बहुत तगड़ा पोकेमॉन साबित हो रहा है, मैजिकल लीफ थी मेरे को लगता था उसे आउट हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। चलो बढ़िया, लेकिन अब मैं चेंज कर लूँगा, रिस्क नहीं लूँगा मैं। अब मैं चेंज कर लेता हूँ जल्दी से अपना पोकेमॉन, अब मैं अपने लक्सरे को भेजता हूँ, अपने कीन को भेजता हूँ, इसका थोड़ा सा अटैक कम कर देगा वो भी। एंड थंडरबोल्ट से इसका भी हराते हैं यार, काफ़ी डैमेज होगा लगता तो है मेरे को ऐसा होगा। हैंड ऑफकोर्स होगा भाई, मेरे को लग रहा है तो पक्का होगा क्योंकि मैं पोकेमॉन मास्टर हूँ भाई, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। प्रो अगली के लिए भी हम इसे ही रखते हैं आगे। एंड प्रो अगली को भी थंडरबोल्ट करते रहेंगे कोई फॉर, इसको भी कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई नहीं फिर भी थंडरबोल्ट हमारा बेस्ट ही रहेगा हमारे लिए। एंड थंडरबोल्ट प्लीज़ मारियो, हाँ भाई शुक्रिया आपने, आपको नहीं मारा तूने, बहुत मेहरबानी होगी। एंड ये गए इसकी प्रो अगली भी बाहर। ओके तो क्या क्या डैमेज हुआ है देखते हैं अपने पोकेमॉन को, कुछ ज़्यादा तो है नहीं तो अब आगे चलते हैं। मैं वो पोकेबॉल लेने से पहले इसके लड़ाई में कूद गया, इसको जल्दी से फाइट बैटल कर लेते हैं यार इससे भी। तो गाइस यहाँ पे जो पोकेबॉल थी उसमें तो था फायर स्टोन, अब मैंने वो फायर स्टोन उठा लिया है। एंड यहाँ पे एक और पोकेबॉल पड़ी है, यहाँ पे क्या है TM42 में देखते हैं क्या है। एंड 42 कांगे 42, ये रही 42 जो है फसाड, बेकार नहीं बेकार तो नहीं है, काफ़ी अच्छा मूव है लेकिन मेरे लिए भी बेकार है क्योंकि मैं दूंगा नहीं किसी को। एंड इसे भी बैटल कर लेते हैं यार। एंड इसे बैटल करने के बाद अब यहाँ से अब बाहर चलते हैं, और अब हम बाहर आ गए हैं अपने विक्ट्री रोड के बाहर। एंड अब इसको उठाते हैं जो कि है फाउंड वन सुपर पोशन। ओके एक और सुपर पोशन मिल गया हमें, छोटी बात नहीं है भाई। एंड और ये आ गया हमारा गोल्ड, मेरे को लगता है अब इससे बैटल करना पड़ेगा मेरे को। वेल आई थिंक दिस विल बी अ वेरी इमोशनल बैटल बिटवीन अस, इट विल बी द लास्ट बिफोर वी फेस
The Elite Four, I will defeat you. Okay, तो हम बैटल करने वाले हैं अपने गोल्ड से, अपने सोने से. एंड इसके पास है पहला जो ऑफकोर्स इसका टाइफ्लोजन है. और इसके लेवल इतने ज़्यादा क्यों हैं यार इन लोगों के, 46 पे पहुँच रखे हैं सब. ये तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने टोटैरो को तो भेजूंगा नहीं, एक ही फ्लेम थोर में बाहर कर देगा वो, तो इसलिए मैं अपने डाई यानी कि गैरेटिनो को भेजा. डजन इफेक्ट ओके. एंड टाइफ्लोजन को अभी हम करते हैं अपना ड्राइड ग्लो करते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए. अब मेरे को लगता है यार मेरे को भी काफ़ी तगड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मेरे को कम से कम 65 तक तो पहुँचानी ही पड़ेगी अपने पोकेमोन के लेवल, क्योंकि भाई इस सब के लेवल, इन सब के लेवल भाई 60 के पार पहुँच चुके हैं और मैं अब तक 56 पे घूम रहा हूँ. बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अब मेरे को. तो अपने अगले एपिसोड से पहले उसके बीच में मैं ऑफलाइन में ट्रेनिंग कर लूँगा, ऑफलाइन बोल रहा हूँ, मैं अपना साइड में ट्रेनिंग कर लूँगा अपने अगले एपिसोड के आने से पहले. वही सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो एलिट फोर है उनके लेवल भी 70 के आसपास के तो होने ही वाले हैं. एग्रॉन, तो एग्रॉन के लिए मैं अपने टोटेरो को भेजता हूँ. एंड इस पर करेंगे हम रेजर लीव करूँगा या फिर अपना अर्थक्विक तो है ही. अब यार मेरे को अपने एग्रॉन की याद आ गई, कितना बढ़िया पोकेमॉन था हमारा स्ट्राइक, डबल एच. ओ तो अब टाइम है अपना अर्थ क्विक करने का, क्योंकि रेजर लीव से ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है. यस, तो इसका गया एग्रॉन भी बाहर. एंड एग्रॉन के बाद एक और पोकेमॉन है इस पे? नहीं, एग्रॉन बस यही दो पोकेमॉन है, बस दो पोकेमॉन लेके जाएगा तो एलिट फोर में क्या कर रहा है. वंस अगेन यू हैव सरपास मी, बट नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेन टू बीट एलिट फोर. भाई 64 का है तू, मेरे से ज़्यादा लेवल का है, अब भी ट्रेनिंग करनी है तेरे को. तो गाइज मैं अपना ये वाला एपिसोड जो है वो यहीं पे ख़त्म करता हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार. एंड आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ बेल आइकन दबा दें, ताकि अगर कोई एपिसोड अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एंड थैंक यू, पीस.